हमारे क्षेत्र का गन्ना का स्थिति तो पहले बहुत सही था, लेकिन ये 2 साल से बहुत बुरा हाल हो गया हर किसानों का, क्योंकि हर एक किसान का ऐसा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका पैसा बाकी है। जब मेरा खुद का ही 2,80,000 रुपया बाकी है। है घोड़ारा मिर्च मान लीजिए नहीं चल रही है, इससे और परेशानी आ गई है। करेसर जब मान लीजिए हम लोगों के यहाँ लगभग 10 करेसर में 2 ही 3 करेसर चल रही है, बाकी गुड़ का जो भाव है वो भी डैमेज है, मंडी नहीं है, उसके चलते यहाँ पर वो भी स्थिति खराब है करेसर का भी। तो क्या कर रहे हैं आप किसानों के लिए? नहीं देखिए, मैं वहाँ का विधायक हूँ और खुद एक किसान हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान के बेटे हैं, और जिस जाति में पैदा हुए हैं वो मूलतः 100% खेती करती है। वो मिल चलेगा, हर हाल में चलेगा, और आजकल में निर्णय हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आ रहे हैं, खुद हमको टाइम मांगे हैं, उसी संबंध में हम मिल करके कोई ना कोई निर्णय करा देंगे। और हमारा जो जिला प्रशासन है, हम लोग मिल मालिक के टच में वो लोग बने हुए हैं, और ये प्रयास किया जा रहा चले और चलेगा भी। इस साल घरौरा शुगर मिल 59 लाख क्विंटल गन्ना अलॉट हुआ है लगभग, और वो और गन्ने की डिमांड कर रहा है, तो लगभग वो डिमांड उसकी जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर उसको पहले सेंटर लगाता, किसानों गन्ना पीटता तो चलाता है। अब उसकी फैक्ट्री बंद है गन्ने की वजह से, तो इसको DM साहब के द्वारा निरंतर इस पर मॉनिटरिंग चल रही है, और DM साहब विशेष इस पर एक कंसर्न कर इस कार्रवाई को कर रहे हैं, तथा मेरी तरफ से विभाग की तरफ से भी 3 नोटिस उसको दिए जा चुके हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, और एक 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था जो खत्म हो चुका है, उसके बाद उसको अंतिम नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तथा अब इस पर जो भी उसको चलाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, तथा अगर वो नहीं चलाता है तो संभवित सारी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तथा DM साहब का सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह से फैक्ट्री चलाई जाएगी और किसानों का हित नहीं होने दिया जाएगा। सर कितना बकाया है उस फैक्ट्री पे? और सुनने में यह आया है कि योगी आदित्यनाथ जो UP के मुख्यमंत्री हैं उनका मठ है चौक में, उनका भी बकाया है, तो कितना है सर, क्या मामला? बाय इसका घरौरा शुगर मिल पर 14-15 का 22.92 लाख बकाया है, और करंट ये का एट प्रेजेंट 23 करोड़ 73 लाख बकाया है, उसमें उनका भी बकाया है।